हेलो फ्रेंड्स, लाल क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है द रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेडिएवल पीरियड में भारत कई राजवंशों में बटा हुआ था, कई डायनेस्टीज में बटे हुए थे। उन अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन चला रहे थे। कोई भी राजा किसी दूसरे राजाओं के साथ है ना क्या करता था, कभी भी लड़ाई आक्रमण करते रहता था। ये कब की बात है, मेडिएवल पीरियड और उससे पहले की बात है या ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड की बात है। जो शुरुआत का जो मेडिएवल पीरियड 7th सेंचुरी से चलना शुरू किए हम लोग, तो उस समय की बात है। उस समय हर एक राजा अपनी ताकत विस्तार करने के लिए, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए, पावर को दिखाने के लिए ऐसे ही दूसरे राजाओं के साथ क्या करते, युद्ध करते रहते थे, है ना। तो यही चीजें हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। 647 AD में किंग हर्षवर्धन की मौत हो गई थी। उन समय के बाद भारत पूरी तरीके से डिवाइड होना शुरू हुआ रीजनल किंगडम्स के तौर पर। क्षेत्रीय राजा जो थे अलग, अपने जहां पर भी उन लोगों को जो मौका मिला वहां पर उन्होंने अपनी अलग टेरिटरी बना ली और दूसरे राजाओं से अलग अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, है ना। तो सबसे पहले उस समय कौन कौन से थे, तो गुर्जर, प्रतिहार, चोल, चेर, पांड्या, उसके बाद पल्लव, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, ये सारी डायनेस्टी अपने अपने अलग अलग राज्यों पर अलग अलग क्षेत्रों में अपना क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। हमको सबसे पढ़ना है क्या, कहां, तो हम लोग क्या करेंगे, साउथ इंडिया का जो राजवंश था वो अलग डिवाइड करेंगे और नॉर्थ इंडिया का जो राजवंश थे, डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया अलग होगा, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया अलग होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहां पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया के बारे में, है ना। बहुत अच्छे से हम लोग इस सब चीज को पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कई राजाओं ने राज करना शुरू किया, है ना। नॉर्थ इंडिया में कई राजवंश जो थे राज कर रहे थे अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेरिटरीज में, है ना। तो उसमें से सबसे पहला थे राजपूत। सबसे पहला राजपूत। अब राजपूत कहते किसको, देखो राजपूत यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र या डिसेंडेंट ऑफ द किंग, है ना। राजा के बाद आने वाले शब्द जो होते हैं उनके पुत्र को राजपुत्र कहा जाता है या उसी से राजपूत कहा गया है ना। और यह एक संस्कृत वर्ड है जो कि राजपुताना से आया है ना, राजपुताना। अब कहेंगे कि अलग अलग जगहों पर राजपूतों में अलग अलग क्या थे, मान्यताएं थे। कोई कई राजपूत अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे, डिसेंडेंट ऑफ द मून, है ना, यानी कि वह चंद्रमा से उत्पन्न हुए हैं, चंद्रमा पर उनका अधिकार है। कई राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, डिसेंडेंट ऑफ द सन, यानी कि वह सूर्य के वंशज कहलाते थे, है ना। तो इस तरीके के मतभेद लोगों में, राजपूतों में बटा हुआ रहता था, भरा हुआ रहता था। और तो और राजपूत एक राजपूत दूसरे राजपूत से हमेशा बैर ही रखते थे। बैर रखने का कारण कुछ नहीं था, बस अपने शक्ति प्रदर्शन करना कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं आते। आगे देखते हैं कि जैसे अब राजपूत, तो राजपूतों में हम सबसे ज्यादा जो फेमस राजपूत है वह चौहान, है ना। उस समय जो मेडिएवल पीरियड का सबसे फेमस राजपूतों में से हम कहते हैं तो चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, ये रहा चौहान डायनेस्टी। इसी को चौहान भी कहते हैं।
चौहान डायनेस्टी भी कहते हैं, है ना। ये चौहान या चौहान डायनेस्टी बहुत ही फेमस डायनेस्टी उस समय की थी, और इसके सबसे प्रतापी राजा थे, इसके सबसे प्रतापी यानी कि सबसे फेमस राजा थे, नाम सुना होगा चौहान से हम लोग को क्या नाम याद आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज है ना चौहान, ये थर्ड थे। कौन थे? थर्ड, जो कि कहां पर, दिल्ली, कहां पर शासन इनका था, दिल्ली, अजमेर, है ना, इन सब जगहों पर इनका शासन था, है ना। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड का, क्लियर। ये सबसे प्रतापी राजा इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो सबसे पहले हमारे देश में मुस्लिम धर्म के लिए लड़ने आया मोहम्मद गौरी, उनको हराया गया। सबसे ज्यादा इनके राज्य में डेवलपमेंट थी, ये राज्य बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था, है ना। और उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि महमूद गजनी, पढ़ा ना, महमूद गजनी कई बार भारत को लूटने में सफलता प्राप्त किया था। वह उसने 27 सालों में 27 वर्षों में महमूद गजनी ने 27 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया, है ना। In 27 years, Mahmud Ghazni attacked 17 times and looted many wealth. जिसमें से सबसे बड़ा प्लंडर उसका था, सबसे बड़ा आक्रमण उसका था सोमनाथ टेम्पल 1025 AD में, यानी उस समय कई, अभी के हिसाब से अगर कहेंगे तो कई करोड़ रुपए की संपत्ति वह लूट कर ले गया था उस समय भी बहुत। और मंदिर जो होते थे सबसे अमीर होते थे, यानी कि जो भी दान दक्षिणा धन होता था वो मंदिरों में ही दान दिया जाता था, सोने चांदी बहुत ज्यादा रहते थे मंदिरों में, है ना। तो मंदिर बहुत अमीर किया होता था, यही कारण है कि जो भी आक्रमणकारी जो भी लुटेरे आते सबसे ज्यादा मंदिरों को ही लूटा करते थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला है चौहान डायनेस्टी या चौहान डायनेस्टी, ठीक है, चौहान डायनेस्टी। अब बात करते हैं चौहान डायनेस्टी यानी पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोस्ट पावरफुल रूलर थे उस समय के। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1191 ईस्वी में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, कौन से, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने किसको, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। बुरी तरीके से उसे हराया गया, जिसके कारण वह, और उसने रहम की भीख मांगी कि हम कभी आपके राज में हम कभी यहां पर आक्रमण करने की सोचेंगे भी नहीं, है ना। मोहम्मद गौरी भाग गया, भारत छोड़ के अपने गौर लौट गया, है ना। तो लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये हुई कि हमने क्या कहा अभी कि पृथ्वीराज चौहान जो है, है ना, वो यानी कि राजपूत थे, और दूसरे राजपूत राजा जो है इससे बहुत ज्यादा वैर रखते थे। इसका कारण कुछ नहीं, हमने क्या कहा, इसका कारण कुछ नहीं, बस जलन डेवलपमेंट के कारण, ठीक है। और तो हम पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी घटना बताते हैं, है ना, जो जो किसके साथ घटी थी, गढ़वाल का जो राजा था, है ना, क्या हमने लिखा है यहाँ, जयचंद, है ना, जयचंद गढ़वाल कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा था, उसकी एक बेटी थी संयुक्ता, समझना थोड़ा सा एक कहानी है, उसकी बेटी थी संयुक्ता। अब उसने पृथ्वीराज चौहान उस समय का बहुत ही शक्तिशाली प्रतापी राजा था, है ना, उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा था, और यही कारण था कि जयचंद जो है वह इससे जलता था, इसे नीचा दिखाने के लिए कोई अवसर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।
जयचंद की पुत्री संयुक्ता जो थी वह शादी के योग हुई, तो उस समय ये व्यवस्था थी शादी की जिसको स्वयंवर कहा जाता था। स्वयंवर आप समझते हैं क्या होता है, स्वयंवर जो बता रहे हैं आपको कि जैसे एक ये बनाया जैसे हम लोग का पंडाल होता है ना जी, वही समझ लीजिए कि जैसे हमारा ये क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या है, हम ये दरवाजे से निकलते हैं, चारों तरफ राजा बैठे होते थे, राजा बैठे होते थे, राजकुमार बैठे होते थे, है ना, और लड़की अपने हाथ में एक वरमाला लेकर आती थी और जो भी राजा उसे पसंद आता है ना उसके है ना गले में वह वरमाला डाल देती, यानी कि उसी समय वह, यानी कहने का मतलब है कि वह लड़की उससे शादी करना चाहती है, तो जो भी राजा उसको पसंद आता उससे शादी हो जाती है। यह था स्वयंवर, खुद से चुना जाने वाला वर, है ना ठीक है। अब यहाँ पर सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया स्वयंवर के लिए, सभी राजा आना शुरू किए, और लेकिन यहाँ पर एक चीज हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं गया स्वयंवर में। अब चलो ठीक है भाई, नहीं जैसे शादी कोई कर रहा है तो अगर न्योता नहीं भेजा गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भेजा उसका मन, लेकिन यही तक नहीं रुका, उसने जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की एक स्टैच्यू बनाई, मूर्ति बनाई, है ना, जो जैसा एक सेना का होता है, जैसा एक दरबार में जो जिसे हमारे यहाँ आप लाल क्लासेस के इंटरेस्ट में आते हैं तो देखते हैं दो स्टैचू लगा हुआ, मूर्ति लगा हुआ है ना, वो भाला हाथ में लिए हुए और जो आगंतुक होता है उसके स्वागत के तौर पर उसको रखा जाता है ना, तो ऐसा ही मूर्ति, और उसे जहां से सब लोग अंदर आते थे है ना, जहां से सब लोग अंदर आते थे उसके गेट पर उसे क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया है ना, अभिवादन करते हुए मुद्रा में कि जो लोग आ रहे हैं उसको अभिवादन करना है, सलाम करना है, ठीक है, इस मुद्रा में। चलो ठीक है, वहां तक कर दिया गया। अब यहां जो उसकी बेटी थी संयुक्ता जो थी, वह पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुन रखी थी कि बहुत ही ज्यादा है ना क्या है, पराक्रमी राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा है और यह सर्वगुण संपन्न है ना, वह सुंदर भी है, वह चाहती थी कि हम पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करें, लेकिन यहाँ तो उसको निमंत्रण ही नहीं भेजा गया है, जब निमंत्रण ही नहीं भेजा गया तो आएंगे कैसे, है ना, तो स्वयंवर हुआ माला लेकर है ना अपना वह पूरा घूम ली, कोई पसंद नहीं आया, क्यों, उन्होंने तो मन बना लिया था कि हमें पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करनी है, ठीक, वो घूमते घूमते वही जो स्टैचू लगाया हुआ था गेट पर वहां पहुंच गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। यहां अब तो वरमाला डाल दी इसका मतलब हो गया कि वह पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है, अब वह स्टैचू था वो तो उठकर नहीं जाएगा शादी करने के लिए। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि उसकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, तो वह अपनी सेना लेकर आया और संयुक्ता को उठाकर लेके चला गया, है ना, जब तक कि उसके पिता समझ पाते कि क्या हो रहा है ना, अपनी सेना को आदेश देते कुछ करने का, तब तक उसकी बेटी को किडनैप करके है ना लेकर चला गया। तो इससे जो जयचंद थे थोड़ा और ज्यादा गुस्से में हो गए, है ना, और दोनों में जो 36 का आंकड़ा था वो 36 गुना कितना 72 का हो गया, मतलब कि दुश्मनी और ज्यादा गाढ़ी हो गई, क्लियर। अब यहां से अब थोड़ा आगे का पार्ट हम लोग जानते हैं, ये तो कहानी हम लोगों ने बताई कि दुश्मनी क्यों हुई राज है ना पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की, तो इसमें हम कहेंगे कि सर ये कहानी आप समझा क्यों रहे हैं, कहानी बताने के लिए आपकी है, तो नहीं, यहाँ पर एक चीज है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में है ना किसको मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी तो यहाँ से भागा कि अब हम कभी नहीं आएंगे है ना, आप पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी 1192 ईस्वी में इन द
फर्स्ट नहीं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हुआ। फिर से मोहम्मद गौरी आया और इस बार अकेला नहीं, जयचंद की पूरी सेना उसके साथ थी, उसके पक्ष में थी, है ना। ठीक है, उसको तो दुश्मनी का बदला लेना था। जयचंद ने भी कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए। अब जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, है ना, और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी की सेना ने भी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों सेनाओं के बीच में ये पिस गए और है ना इनकी हार हुई, यानी इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड है ना, हार गए। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी की सेना, और कंबाइंड सेना थी जयचंद और मोहम्मद गौरी की इसमें। ठीक है, और अब यहां से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई, है ना, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई और यहाँ हमारे देश में मुसलमान की शासन स्टार्ट हो गए। चलो ठीक है भाई, मुसलमान शासन स्टार्ट हुआ। एक जयचंद जो था, है ना, कन्नौज का जो राजा था, वह क्या करने लगा, मुस्लिम शासक स्टार्ट हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी को लगने लगा ना कि भारत में हम अपना धर्म को विस्तार करना चाहते हैं, वाना संपूर्ण भारत में मुस्लिम साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये जयचंद जो है हमारे, है ना, किस चीज में अपने एक्सपेंशन पॉलिसी में रुकावट आ रहा है। तो ठीक, दो साल बाद, है ना, 1194 में इन द बैटल ऑफ चंदावर, इन द बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया, जयचंद को मार दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जयचंद को मार दिया। और अब जाकर उसको क्या हुआ कि 1194 के बाद वह आराम से अपना मुस्लिम एम्पायर की स्थापना कर सकता, है ना। ठीक है, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा डायनेस्टी है? चौहान डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा। चौहान के बाद तोमर डायनेस्टी है। कौन सा? तोमर डायनेस्टी है ना, कहां शासन कर रही थी? तो तोमर डायनेस्टी का शासन जो था दिल्ली में था। तोमर डायनेस्टी का शासन दिल्ली में था कि कब? 8th सेंचुरी एडी में, यानी 8वीं शताब्दी में। अब ये कौन है? अनंतपाल तोमर कौन है? तो फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी अनंतपाल है। फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी अनंतपाल है। बाद में इस तोमर डायनेस्टी कहां शासन कर रहे थे? दिल्ली में ना। और उससे पहले हमने क्या देखा? चौहान डायनेस्टी कहां शासन था, है ना, कहा दिल्ली और अजमेर में। तो बाद में चौहान डायनेस्टी ने इस पर आक्रमण करके इसको दिल्ली को, है ना, कब्जे में कर लिया, यानी चौहान डायनेस्टी इस पर आक्रमण किया, तोमर डायनेस्टी खत्म हो गया, है ना। और वहां दिल्ली पर अब किसका साम्राज्य स्थापित हो गया था? चौहान डायनेस्टी। तो ये याद रखना, तोमर डायनेस्टी कहां? तो दिल्ली में शासन कर रहा था, इसके फाउंडर कौन थे? अनंतपाल तोमर, है ना। कब शासन किया? तो 8th सेंचुरी में, है ना। और ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा कि तोमर डायनेस्टी को हराकर दिल्ली पर किसका शासन हो गया? तो तोमर डायनेस्टी को हराकर दिल्ली पर चौहान डायनेस्टी की शासन हो गई। किसका? चौहान डायनेस्टी का। अगला है सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी को ही चालुक्य कहा जाता है गुजरात, है ना। सोलंकी डायनेस्टी को ही गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे पहले तो इसका फाउंडर पढ़ेंगे। तो सबसे इसका फाउंडर पुलकेसिन फर्स्ट, है ना, सबसे पहले इसका फाउंडर कौन थे? पुलकेसिन फर्स्ट ने सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडेशन दिया। इसका सबसे प्रतापी राजा थे सिद्धराज। सबसे प्रतापी और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है
डेवलपमेंट जो है किस, अब डेवलपमेंट कहने का मतलब कौन से क्षेत्र में आता है, है ना, क्या होता है डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट उस ऐसे चीजों को कहा जाता है, जैसी बात है सबसे ज्यादा वहां आर्ट और आर्किटेक्चर, है ना, रोज है ना, सभी को रोजगार होना चाहिए सभी के पास। अब उस समय सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होता था कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता था, है ना। तो सभी अच्छे से खेती कर रहे हैं, पैदावार उचित हो रही है, पैदावार उचित होने के बाद जो टैक्स लगाया जा रहा है वह भी ऐसा नहीं कि किसी पर बर्डन हो, है ना, जोर जबरदस्ती से टैक्स लिया नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ टैक्स लिए जाने के बाद उस टैक्स से, है ना, नदी से नहरें गुजारना, कुएं का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, है ना, नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना और व्यापार व्यवस्था में भी बढ़ावा देना, ये सारी चीज डेवलपमेंट कहलाती थी। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उस समय जो हुआ सिद्धराज के समय हुआ, है ना, ठीक है। ये कौन सा डायनेस्टी था? सोलंकी डायनेस्टी, या उसी को ही दूसरे में, है ना, दूसरे शब्दों में कहे तो चालुक्य डायनेस्टी। अब सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी के समय कौन कौन से आर्किटेक्चर या मंदिर का निर्माण हुआ था भाई? तो दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू यानी राजस्थान में है। माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल जो है माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, है ना। सन टेम्पल, सन टेम्पल कहाँ? मोधेरा यानी कि कहाँ? गुजरात में। गुजरात का सन टेम्पल और दिलवाड़ा यानी राजस्थान का दिलवाड़ा टेम्पल, ये जो बनाया गया था सोलंकी डायनेस्टी के समय में बनाया गया था, ठीक है। आगे इसको मिटाते हैं। हर चीज ये सब पूछेंगे कि किसके समय में कौन कौन सा टेम्पल बनाया गया, दिलवाड़ा टेम्पल किस, है ना, कौन से राजवंश के समय में बनाया गया, कहां पर मौजूद है। अब आता है परमार डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? अजब देव परमार। परमार डायनेस्टी के फाउंडर अजब देव परमार, है ना। परमार डायनेस्टी कहां शासन कर रहा था? मालवा में। कब कर रहा था परमार डायनेस्टी का शासन, कब था? तो 10th से 12th सेंचुरी में, 10th से 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में परमार डायनेस्टी का शासन, है ना। अब इसका सबसे प्रतापी राजा, राजा भोज। कौन? राजा भोज। आपने, है ना, ये कहावत भी सुना होगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, है ना। तो ये राजा भोज, ठीक है, यानी कि वह राइंस राजा के समय में परमार डायनेस्टी उत्कर्ष पर था, है ना। यानी कि कह सकते हो कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ था परमार डायनेस्टी में वह राजा भोज के समय में ही हुआ था। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। अब इनके समय में कौन सा टेंपल का निर्माण हुआ जो सबसे फेमस है? तो नीलकंठेश्वर टेम्पल। नीलकंठेश्वर टेम्पल कहाँ है? उदयपुर यानी राजस्थान में। कहाँ है? उदयपुर। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीलकंठेश्वर टेम्पल, चलो बताओ तो कि कौन से भगवान की मूर्ति इसमें स्थापित है? नीलकंठ किसको कहा जाता है जी? नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को, है ना, भगवान शिव को। नीलकंठ क्यों कहा जाता है अभी थोड़ा सा समझ लो, है ना, क्योंकि उन्होंने विष पान किया था। विष पान किया था यानी कि जो समुद्र मंथन में जो विष निकला था, विष का मतलब जहर होता है, जो विष निकला था उसे, है ना, उन्होंने स्वयं पिया, स्वयं पिया। अब बाहर निकालते तो सृष्टि खत्म हो जाती और अंदर उसको पी लेते, है ना, यहां से अंदर चला जाता तो क्या होता कि उनकी मौत हो जाती। इसीलिए एक चीज नहीं बोलता, ना तो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अगर कोई चीज गर्मा गर्म कोई चीज अंदर ले लो, है ना, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारा फेवरेट है और गर्म है, तो ना तो तुम उसको फेंक सकते हो और ना ही तुम उसको निगल सकते हो। तो मुंह में रखते हैं और, है ना, ठीक है, कुछ देर के बाद अपने आप वह ठंडा हो जाता है। लेकिन तो यही ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस विष को यहां से गला तक ही रखा, गला के पार नहीं किया,
है ना, गला के पार नहीं किया, इसीलिए इनका जो कंठ है ये है वह नीले कलर का हो गया, विष के कारण नीले कलर का हो गया, इसी कारण से उनको नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठेश्वर टेम्पल जो है उदयपुर में है, भगवान शिव का टेम्पल है। क्लियर। अब आते हैं किसमें, गढ़वाल में, है ना, कौन सा, गढ़वाल। गढ़वाल कहां का शासन, कन्नौज, है ना, कहां, कन्नौज में शासन करते थे। किन्होंने इसका फाउंडिंग, फाउंडेशन किसने डाला, यानी फाउंडर कौन थे, तो कनकपाल, है ना, कौन थे, कनकपाल। और सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो था उस समय का, ये जयचंद, अभी बता चुके हैं पीछे, जयचंद, जयचंद के, है ना, ठीक है, जयचंद के समय में भी कुछ डेवलपमेंट हुए थे, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके कारण ही हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, इसके कारण ही हमारे देश मुस्लिम, है ना, मुस्लिम आज लगभग लगभग 700 से 800 वर्षों तक मुस्लिमों ने शासन किया, मुसलमान राजाओं ने शासन किया, क्योंकि यह सबसे पहला देशद्रोही कहलाता है, है ना। जयचंद जो था सबसे पहला देशद्रोही था जिसने अपने देश में किसी से बदला लेने के लिए बाहरी विदेशी को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि आओ तुम और हम भी तुम्हारा साथ रहेंगे और उसको मारेंगे, है ना। ये तो जयचंद, ठीक है, कन्नौज का राजा गढ़वाल डायनेस्टी से। अब लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी। कौन सा, चंदेल, कहा, बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड। इसका फाउंडर नन्नू, इसका फाउंडर नन्नू, है ना। इसके, इसका कैपिटल कहाँ था, खजुराहो था। इसका कैपिटल कहाँ था, खजुराहो में, है ना, इसका कैपिटल खजुराहो में। तो ये यही तक आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे, बाकी विशेष जो है कल हम लोग देखेंगे। खजुराहो टेम्पल वगैरह के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो कल। अब जाहिर सी बात है खजुराहो में, तो खजुराहो टेम्पल का निर्माण चंदेल डायनेस्टी के समय ही हुआ था, है ना। तो इन सब चीजों पर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक, धन्यवाद।